गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फोर्थ क्लास में 19 चैप्टर पढ़ेंगे, पत्र लेखन। बेटा आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो, आपको एप्लीकेशन लिखना सबको आती होगी? अगर आपको आती है तो भी आप इसको लिखने का तरीका और समझ लिए। देखो, पत्र लिखने कला है, पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ठीक है, एक कला होती है। यह संचार का एक प्रमुख साधन होता है। यह अपने एक संचार का एक साधन होता है, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन मात्र होता है, एक सोर्स होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने मन के जो विचार होते हैं वो दूसरों तक लिखकर पहुंचा सकते हैं। लेखन यानी लिखना, ठीक है। इसके माध्यम से हम अपने विचार केवल लिखकर पहुंचाएंगे, फोन के माध्यम से बोलकर बताएंगे, ठीक है। तो देखो, पत्र लेखन एक कला है, यह संचार का एक प्रमुख साधन है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, यहाँ पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र जिनमें उनसे कोई प्रार्थना या निवेदन होता है, जिस पत्र में प्रार्थना या निवेदन होता है वो औपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो उसमें क्या होता है? आपकी प्रार्थना होती है, आपका निवेदन होता है, चाहे अवकाश के लिए हो, ठीक है, चाहे फीस माफ के लिए हो, आपका उसमें निवेदन होता है। तो देखिए, किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र जिनमें उनसे कोई प्रार्थना या निवेदन होता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, माता पिता, मित्र या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो पत्र हम अपने माता पिता को या अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। अब है पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। पत्र की जो लिखावट है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो हमारे पत्र को आसानी से पढ़ सके। विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, औपचारिक पत्र में पहला पत्र पढ़ेंगे हम, प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। बेटा यहाँ आपको प्राचार्य करना है, ठीक है, यहाँ आपको करना है प्राचार्य की जगह प्राचार्य, ठीक है।
प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में देखो, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें हमारी बुक के जो बाएं साइड का कॉर्नर होता है वहाँ से हमें पत्र लिखना प्रारंभ करना है। देखिए, सेवा में उसके नीचे लिखेंगे श्रीमती प्रधानाचार्य जी, ठीक है, सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल। आपको यहाँ जैन इंटर कॉलेज की जगह क्या करना है, सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पब्लिक स्कूल के जस्ट बाद में आपको अल्प विराम लगाना है, हमने पढ़े थे विराम चिन्ह, यहाँ अल्प विराम लगाना है, ठीक है। फिर जगह का नाम, स्थान जैतपुरा चौमू, ठीक है। अगर आप यहाँ जयपुर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, आपको विषय लिखना जरूरी है, ठीक है। विषय क्या होगा, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आगे देखिए, महोदय, हम अगर किसी जेंट्स को, अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कोई जेंट्स हो तो यहाँ महोदय लिखेंगे या सर लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे स्कूल की प्रिंसिपल लेडी हो तो हमें यहाँ क्या लिखना है, महोदया, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह है, मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह है 18 नवंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है, ठीक है। आप एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह है 18 नवंबर 2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात कहाँ जाएगी, बारात लखनऊ जाएगी, मुझे भी भाई की बारात में जाना है, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 18 नवंबर और 19 नवंबर 2020 दो दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। बेटा मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह है 18 नवंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है, बारात लखनऊ जाएगी, मुझे भी भाई की बारात में जाना है, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 18 नवंबर और 19 नवंबर 2020 को दो दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आपकी मेहनती कृपा होगी, आपकी कृपा होगी, ठीक है। सादर धन्यवाद की जगह आप सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। दिनांक, फिर आपको यहाँ दिनांक लिखनी है 3/11/2020, ठीक है। आगे आप ये लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, या प्रार्थी लिख सकते हो, ठीक है। शिवम गुप्ता, कक्षा 4, ठीक है। बेटा जो आपको ये लिखना है, प्रार्थी, शिवम गुप्ता, ये सब के बाएं साइड में ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बीमारी के कारण स्कूल से आपको प्रार्थना पत्र देना है, ठीक है। सेवा में, ठीक है, कक्षा 4, ठीक है।
फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल, ठीक है, जयपुरा। आपको यहाँ स्कूल का नाम लिखना है और स्थान का नाम लिखना है। विषय, बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि आज मुझे बुखार हो गया है तथा मेरे चिकित्सक ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है, ठीक है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दिनांक 4 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रदान करें। ठीक होने पर मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लूँगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ दिनांक लिखना है 3 नवंबर 2020। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। लड़कों के लिए शिष्य आएगा और लड़कियों के लिए शिष्य आएगा, रजत शर्मा, कक्षा 4, ठीक है, ठीक है। बेटा अनौपचारिक पत्र लेखन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।